हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज दिलीप हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनसिक्योर एकेडमी। गाइस, आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी SS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 
अच्छी खासी पोस्ट भी है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी है और किस के लोग कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते सीधा पॉइंट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी कौन सी वैकेंसी है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने जो वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन स्टार्ट डेट। इसका जो आपका आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आपको 20 तारीख से यानी कि इसी महीने में 20 फरवरी से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म अपना भर सकते हैं। 20 तारीख से इसकी ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगी। ओके, और बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी 11/3/2024 यानी कि आपको टोटल इसमें लगभग आपको 20 दिन मिल जाएगा पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए। 11 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और इसका जो लास्ट अप्लाई ऑनलाइन का डेट है वो 20 तारीख से, यानी कि 20 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 11 मार्च तक है। ओके, तो और बात करते हैं उसके बाद करेक्शन भी, आपको अगर कोई उसमें कोई गलत कर दी आपसे कोई गलती हो गई है, यू डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन करेक्ट दैट। ओके, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई तो 18/3 को आप पोर्टल ओपन होगा फिर से, जिसमें अगर कोई फॉल्ट किया होगा तो उसको वो सही कर सकता है। फीस की बात करें तो ऑल कैटेगरी के लिए दैट इज़ द सेम प्राइस। ओके, दैट इज 25 रुपीज़, चाहे कैटेगरी कोई हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए फीस एक ही निर्धारित की गई है, वो क्या है, 25 रुपीज़। ओके, बात करते हैं एज की, तो एज इसमें होगा 21 से 240 यानी कि 21 साल से 40 साल तक कोई भी कैंडिडेट अगर इसके बीच में उसकी उम्र है तो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और इसके एक सबसे खास बात यह है, अगर कोई भी व्यक्ति फॉर्म को फिलअप करने जा रहा है तो उसके लिए उसको यूपी ट्रेवलर्स से पीईटी का स्कोर कार्ड होना जरूरी है, यानी कि उसको स्कोर कार्ड होना जरूरी है, यूपी ट्रेवलर्स से पीईटी उसको निकलना होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप पेट पास हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो लेट्स मूव टू द नोटिफिकेशन, देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है इसका। एक बार देखते हैं अगर ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लेट मी चेक इट एंड वी विल मूव फॉरवर्ड दियर आफ्टर। तो एवरीथिंग इज फाइन गाइज, लेट्स मूव। अब यहाँ पे देखते हैं हम पूरी तरह से क्लियरली, आपको देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन दिया गया है कि पोस्ट का नाम जो दिया गया है इसमें दिया गया है असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें जो जनरल में है वो 668 यानी कि 668 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम में होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए या ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। अब मोर डिटेल के लिए नोटिफिकेशन आपको बता ही रहे हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें जो स्पेशल में है वो 950 यानी कि 950 पोस्ट आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए दिया गया है। दोनों में क्राइटेरिया वही है, आपको बीकॉम पास होना चाहिए यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और पीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें 01 जो पोस्ट दिया गया है सिर्फ पर्सनल दिया गया है, उसमें पीटी होना चाहिए और बीकॉम होना चाहिए। और ऑडिटर की बात करें 209 पोस्ट है जिसमें भी पीयूटी का स्कोर कार्ड मांगा है और बैचलर डिग्री मांगा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस आपके सामने दिया गया है, सिलेबस में बात करें तो इसमें कुल टोटल कितने दिए गए, 6 सिलेबस सब्जेक्ट दिए गए जिसको आपको करना होगा। पहला इसमें दिया गया अंकगणित अंतिम खाता है जो दिया गया है, 10 प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 10 क्वेश्चन 10 होंगे, कुल मिलाकर 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा, पुस्तकों की तैयारी, ह्रास, ये भी इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क का होगा। फिर बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, तो दोहरी लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 15 मार्क्स का होगा। फिर बात करते हैं चौथा की RTGS, जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं मनी का, RTGS, ई मार्केटिंग, बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 10 मार्क्स का आपका होगा। फिर बात करते हैं एडवांस अकाउंटेंसी, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद लास्ट दिया गया कि टैक्सेशन और अंकगणित, टैक्सेशन यानी कि जो भी टैक्स हम लोग पे करते हैं, TDS हो गया, बैट हो गया, हालांकि ये तो अभी हट चुका है, GST चल रहा है, तो टैक्सेशन इसमें दिया गया जिसके बारे में अध्ययन आपको विकसित करना पड़ेगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स होंगे। लास्ट में जो दिया गया है
कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स का होगा ये। लास्ट में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी कि जीएस आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन में 20 मार्क होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी 100 होगी और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, यानी कि इस वैकेंसी में जिसका सिलेबस है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा ये, और समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर पीटी क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यू डोंट वरी अबाउट इट गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।